इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी के जौनपुर में शहीदों के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने यह हंगामा किया। शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में तोड़फोड़ की गई। शिलापट पर नाम न होने से विधायक जी नाराज हो गए। मेहमानों के लिए बिछाए गए गद्दे को उन्होंने रौंद दिया। अधिकारियों के साथ भी अभद्रता की। जौनपुर जिले के बदलापुर से विधायक रमेश मिश्रा का यह हंगामा सामने आया है। देखिए तस्वीर सामने आई है, विधायक जी हैं जो एक कार्यक्रम में न्योता नहीं मिलने से और शिलापट पर अपना नाम नहीं होने से नाराज हो गए। शहीदों को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और शहीदों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में जब विधायक जी को पता चला कि उनका नाम नहीं है वहां के शिलापट पर, उनका नाम नहीं लिखा गया है, तो आग बबूला हो गए। पहुंच गए कार्यक्रम स्थल और वहां पर पहुंचकर उन्होंने क्या किया, ये तस्वीर आप खुद ही देखिए और सुनिए भी। पत्थर क्या है, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर आए? क्या कार्यक्रम है यहाँ पर भैया? प्रमुख जी, ए वीडियो इधर आओ। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर आए? क्या कार्यक्रम है यहाँ पर भैया? प्रमुख जी, ए वीडियो इधर आओ। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर, क्या है? पत्थर कहाँ, पत्थर लाओ। पत्थर कहाँ है, पत्थर कहाँ है? क्या कार्यक्रम है यहाँ पर आए? क्या कार्यक्रम है यहाँ पर भैया? प्रमुख जी, ए वीडियो इधर आओ। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर, क्या है? पत्थर कहाँ, पत्थर लाओ। पत्थर कहाँ है, पत्थर कहाँ है? क्या कार्यक्रम है यहाँ पर आए? तो विधायक जी ने क्या किया है, क्या बोला है, वो आपने देखा भी और सुना भी, लेकिन अब विधायक जी की सफाई आई है, वो भी सुन लीजिए। गांव वालों ने शिकायत किया कि भाई साहब इसमें आपका ये कार्य था, आप संकल्प लिए थे कि आप शहीदों को सम्मान करेंगे तो, और वहां पर पत्थर में आपका नाम नहीं है। तब हमको लगा कि अरे, तो हमने वहाँ पर पत्थर देखना चाहा, तो लेकिन हमारे आने के पहले जब उन्होंने देखा ऐसा माहौल तो उन्होंने पत्थर वहाँ से हटा दिया। तो मैंने बल्कि गद्दों के नीचे मैंने पत्थर को खोजा और गद्दे के नीचे पत्थर मिला हमें, और जब मैंने पत्थर में देखा तो मेरा कहीं पर उसमें नाम नहीं था, जो कि कदापि इस शासनादेश के खिलाफ है और सरकारी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो मैंने इस पर आपत्ति जाहिर किया, अधिकारियों को भी मैंने आपत्ति जाहिर किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जनप्रतिनिधि का नाम होना चाहिए, और मैं इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है।